आज तक मुझे जो जो फेमस कैरेक्टर्स डब करने का मौका मिला है उसकी कुछ झलकियां पेश करना चाहता हूं। मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन, मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन, पालक में खाता ताकत में पाता, मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन। याली, मैं हूं जीनी, मैं तुम्हारे साथ आया हूं। चलो दोनों मिलकर धूम मचाएं, धूम मचाएं, धूम मचाएं, आओ मेरे साथ खेलो। अरे तुम क्या कर रहे हो यागो? किसको बोल रहा है वो? जीनी, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, मुझसे पंगा मत लो। जासा, इस जीनी की वाट लगा। उसके बाद जोकर, बैटमैन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये गेम खेलकर छूट जाओगे? नहीं, मेरे साथ आज तक कोई भी ये गेम खेलकर जिंदा नहीं बच सका। मैं हूं जोकर। मोगली, आओ दोनों मिलकर खेलें, मस्ती करें, मैं बनूं और तुम मोगली। आओ आओ बगीरा, तुम क्या देख रहे हो? का तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आदम्बू, मुझे आदम्बू आ रही है, इंसान का बच्चा। देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें अच्छा योद्धा बनना है, जेडाई बनना है, तो बनने के लिए तुम्हें करनी होगी बहुत सारी प्रैक्टिस, और फिर तुम बन पाओगे एक कुशल योद्धा। अरे साला, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किरण किरण, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। किरण किरण, आ जाओ मेरे पास, आओ किरण, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मुझे मना मत करो किरण। जानी, हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारा नहीं, जो कभी मौत से डरा नहीं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे चकमा दे रहा था सूरमा भोपाली। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अरे हितकिया, अरे क्या कर रहे हो मिया? हमने ऐसा क्या गुनाह किया? अरे खंबा उखाड़ के, घूंसा लगा के, पलटा दो पलटा दो। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, हे भगवान मुझे बचा लो, मैं कहाँ आ गया, मैं किस लोगों के बीच में फंस गया, मुझे बचा लो। ईश, बेटा राम प्रसाद, चुप चुप, लक्ष्मण प्रसाद कहाँ है? मुझे मेरे सामने लेकर आओ, जाओ जाओ, आओ ललिता, आओ, मैं हवालदार को मैं लूंगा, मुझे दो दो। काफी सारे एक्टरों की आवाजें हैं वैसे देखा जाए तो, पॉलिटिशियंस में से। इस देश में रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है। भाई बहनों, आज इस देश में हरेक को काला धन इस देश के चरणों में समर्पित करना अनिवार्य है।